अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद इम्तियाज है फ्रॉम आरबीएस रीसर्च दी प्लैटिनम सेल्स पार्टनर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। हमारे साथ एक और हमारे हैप्पी कस्टमर जो क्लाइंट मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और हमारे आरबीएस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिएगा। अब्दुल बाफी मेरा नाम है। ठीक है, वैसे हमें बताइएगा क्या रिव्यूज़ हैं आपके कैपिटल स्मार्ट सिटी और हमारे आरबीएस रियल स्टेट के हवाले से आपके। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले दो दिनों से आरबीएस के लोगों और कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेलीगेशन के साथ दोहा के अंदर मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं, उसमें माशाल्लाह इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और मैं बिलखसूस खलीजी ममालक के अंदर जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्यों, आरबीएस का एक नाम है, हबीब रफ़ीक का नाम तकरीबन तमाम पाकिस्तानी इस नाम से वाकिफ़ हैं। हबीब रफ़ीक वो शख्सियत है जिन्होंने डीएचए बैरिया के अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन या रोडें हुई हैं, ये हबीब रफ़ीक के काम है। तो मेरी तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो जोक दर जोक और ज़्यादा पुरजोश तरीके से कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और उसमें विलाज़ भी हैं, क्योंकि विलाज़ की ये फैसिलिटीज़ है कि जो पाकिस्तानी अपनी प्रॉपर्टी ले लेगा, फिर उसको कंट्रैक्टर नहीं ढूंढने पड़ेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी अपनी ले लेंगे, उनको वहाँ पे कंट्रैक्टर या ठेकेदार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हबीब रफ़ीक उनको प्रॉपर तरीके से विलाज़ तैयार करके दे रहे हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमने अलखोर के अंदर दोहा के अंदर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की हैं साद इम्तियाज़ को लेकर, तो माशाल्लाह इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मेरी कैपिटल स्मार्ट सिटी और आरबीएस के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हर छः महीने बाद आपका डेलीगेशन कतर में आए, तो इंशाल्लाह इससे मज़ीद आपको अच्छा बिज़नेस मिलेगा, ताकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को ये पता लगे आरबीएस और कैपिटल स्मार्ट सिटी के लोग आके हमें रिस्पांस दे रहे हैं। तो मेरी साद इम्तियाज़ भाई से भी गुजारिश है कि इंशाल्लाह बार बार तशरीफ लाएं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके हमारे इस रिव्यूज़ के लिए। और फर्दर हमारे सर आप पेज फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।